हेलो गाइस, वेलकम टू निधि डायरी। मैं हूँ निधि और आज मैं आपको बहुत ही अच्छा एक फेस क्रीम बताने जा रही हूँ, वो भी टमेटो के साथ। जी हाँ, आप टमेटो से एक फेस क्रीम बना सकते हैं जो कि बहुत अच्छा एंड बहुत अच्छा वर्क करता है। घर का बना हुआ एक फेस क्रीम है जिससे आपको बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सकता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें इस टमेटो को वॉश करके इसका प्योरी बना लेना है कुछ इस तरह से। ये देखिए, मैंने प्योरी बना के रखा है और ये फुल एक टमेटो का प्यूरी है। इसके बाद हमें एक स्ट्रेनर से अच्छे से टमेटो का प्यूरी का जूस एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये टमेटो हम सब जानते हैं हमारे स्किन रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। लाइक अगर हमें एक्नी है, हमें डार्क स्पॉट्स है, हमें स्किन रिलेटेड बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है लाइक उन सब का सोल्यूशन हमें टमेटो से मिल सकता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है एंड आप बस एक टमेटो को अपने स्किन पर डे रब कर ले एंड उसके बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दे, उसके बाद उसको वॉश कर ले, तो भी आप देख सकते हैं कि सप्ताह भर के अंदर आपके स्किन में काफ़ी कुछ अंतर मिलेगा। यानी कि आपके स्किन में जितने भी डार्क स्पॉट्स होंगे वो सब रिड्यूस हो जाएंगे, एक्ने होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, स्किन लाइट हो जाएगी, ज़्यादा वाइटनिंग एंड ब्राइट भी होने लगेगी। तो स्किन से रिलेटेड अगर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स है या थोड़े बहुत भी हैं तो प्लीज़ मेरे इस DIY क्रीम को ट्राई करिए, ये बहुत अच्छा है एंड मैं इसे ट्राई करती हूँ, हमेशा इसे बनाती हूँ। तो आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए, इसे स्टोर कर सकते हैं हम 10 से 15 दिन तक फ्रिज में। रूम टेम्परेचर पे इसे स्टोर ना करें, इसे स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप रेफ्रिजरेटर में इसको रखें एंड उसके बाद स्टोर करें। तो इस तरह हम इसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे, यानी कि जितना भी टमेटो का जूस होगा वो निकाल लेंगे। तो ये हमारा टमेटो जूस जो है वो अच्छे से बन के रेडी है। अब हमें इसको बेसिकली क्रीम फॉर्म में बनाना है, यानी कि अब हमें हमारा क्रीम बनाना रेडी करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्लीन बाउल लेंगे और इसमें हम 2 से 3 चम्मच अपना टमेटो जूस लेंगे। ये हमारा टमेटो जूस रेडी है। इसमें सबसे पहला चीज़ हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला काम हमें इसमें स्वीट आलमंड ऑयल डालना है, यानी कि बादाम का तेल। ये देखिए, ये स्वीट आलमंड ऑयल है, इसको बादाम का तेल भी बोलते हैं। आप चाहे तो ये डालिए या फिर अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। हमें इसे 1 चम्मच डालना है। साथ में हमें ग्लिसरीन डालना है, ये हमें कुछ 1/2 टीस्पून के लगभग में डालना है। एंड इसे अच्छे से ब्लेंड करना है, बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है, क्योंकि जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा क्रीम हमारा अच्छा तैयार नहीं होगा। तो हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है एंड फाइनली हमें एक लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा जो है वो है एलोवेरा जेल। यहाँ पे मैंने सौंदर्य का, पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल यूज़ किया है। आप कोई भी कर सकते हैं, बट हाँ, जो प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है यानी कि जो नेचुरल होता है वो हमें नहीं यूज़ करना है। यहाँ हम 1 से 1.5 चम्मच डाल रहे हैं। इसके बाद हमें इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अच्छे से मिलाने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में रेडी हो गया है। एंड उसके बाद हमें चाहिए क्या, हमें किस तरह का खाली कंटेनर चाहिए, इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद हमें इसमें अपना जो क्रीम है वो स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख देना। तो ये हमारा टमेटो क्रीम जो था वो रेडी हो गया है। एंड मैं आपको बता देती हूँ, इसको लगाना बहुत आसान है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा। आप स्किन में लगाइए एंड आप कभी भी लगा सकते हैं, दिन में, रात में, और उसके बाद लगाइए और छोड़ दीजिए इसको अपने स्किन पे। और ये एज अ क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव क्रीम रेडी हुआ है। तो प्लीज़ मेरे इस क्रीम को ट्राई कीजिए एंड प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। ये बहुत अच्छा, बहुत कमाल का क्रीम है। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए DIY के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।